ऑपरेटर ओवरलोडिंग कंसेप्ट इन पाइथन, ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है किसी भी लैंग्वेज में। इसका मतलब ये होता है यूजिंग दिस फीचर्स वी कैन रीडिफाइन ऑपरेटर, वी कैन रीडिफाइन ऑपरेटर, इसके थ्रू हम ऑपरेटर्स को रीडिफाइन कर सकते हैं। यूजिंग दिस फीचर वी कैन रीडिफाइन ऑपरेटर, वी विल क्रिएट ऑपरेटर टाइप फंक्शन टू इंप्लीमेंट फंक्शनैलिटी, ठीक है। ये एक ऐसा फीचर है, यूजिंग दिस फीचर्स वी कैन रीडिफाइन ऑपरेटर, वी विल क्रिएट ऑपरेटर टाइप फंक्शन टू इंप्लीमेंट फंक्शनैलिटी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑपरेटर टाइप के फंक्शन हम बना सकते हैं फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। बाय डिफॉल्ट पाइथन कॉल ऑपरेटर टाइप फंक्शन इन ऑल ऑपरेटर, जितने भी ऑपरेटर्स पाइथन के अंदर होते हैं वो सभी ऑपरेटर्स ऑपरेटर टाइप के फंक्शंस को ही कॉल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप नॉर्मल प्रोग्राम में भी सी इक्वल्स टू ए प्लस बी यदि करते हो तो पाइथन के अंदर बाय डिफॉल्ट एक डबल अंडर स्कोर एट डबल अंडर स्कोर मैथड बना हुआ है और ये मेथड क्या होता है, इसके अंदर कॉल होता है, ठीक है। यदि आप सी इक्वल्स टू ए माइनस बी करते हो तो पाइथन के अंदर बाय डिफॉल्ट डेफ डबल अंडर स्कोर सब डबल अंडर स्कोर करके मेथड बना हुआ है जो सब्सट्रैक्शन के टास्क को परफॉर्म करता है। यदि अपन डबल अंडर स्कोर या डबल अंडर स्कोर करते हैं सेल्फ तो ये एडिशन के टास्क को परफॉर्म करता है। इसके बाद यदि अपन यहाँ पे लिखते हैं सी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय बी, यहाँ पे डेफ डबल अंडर स्कोर एम यू एल टी आई डबल अंडर स्कोर और यहाँ पे लिखते हैं सेल, तो ये बाय डिफॉल्ट आपको मल्टीप्लीकेशन कॉल करेगा, ठीक है। तो मतलब देयर मीनिंग इज दैट कि आप जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं, जब हम प्लस की बात करें चाहे माइनस की बात करें, मल्टीप्लीकेशन की बात करें, डिवीजन की बात करें, ये सभी के सभी ऑपरेटर्स प्रीडिफाइंड मैथड्स को कंटेन करते हैं और इन्हीं के थ्रू ये ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो ऑल ऑपरेटर्स यूज प्रीडिफाइंड फंक्शन टू इम्प्लीमेंट फंक्शनैलिटी, ओके। तो अब मैं इसमें आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ जिसके थ्रू मैं मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर को ओवरलोड करके बताता हूँ। इसको ओवरलोड करता हूँ, मैं मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर को ओवरलोड करता हूँ। ओवरलोड करने का मतलब क्या है कि मैं मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर को थोड़ा सा कस्टमाइज करूँगा कि आप यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखोगे लेकिन होगा डिवीजन, ठीक है। तो मतलब मैं इस ऑपरेटर को ओवरलोडिंग का मतलब यही होता है कि ऑपरेटर्स के जो स्पेसिफिक मीनिंग है या ऑपरेटर के अंदर के जो प्रीडिफाइन फंक्शंस हैं उनको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना या ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी भी ऑपरेटर्स के टास्क को परफॉर्म करना। इफ यू वॉन्ट टू परफॉर्म टास्क यूजिंग ऑब्जेक्ट देन वी कैन यूज ऑपरेटर टाइप फंक्शन इन पाइथन प्रोग्राम। किस प्रोग्राम में, पाइथन प्रोग्राम में यदि आप किसी भी ऑपरेटर्स के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑपरेटर्स के करेस्पॉन्डिंग यदि आप मैनेज करना चाहते हो, ठीक है, तो वहां पर आप क्या यूज कर सकते हो, यू कैन डिफाइन, यू कैन ओवरलोड, यू कैन रीडिफाइन ऑपरेटर टाइप फंक्शन। तो इनका मेन यूज यही, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर एक ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग का प्रोग्राम आपके सामने बताता हूँ, ठीक है। आपने पुराने लैंग्वेजेस में भी ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जैसे जावा में ऑपरेटर ओवरलोडिंग परफॉर्म नहीं होता है, C++ में ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है। तो यहाँ पर मैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर एक नॉर्मल क्लास बनाया, OPE नाम से मैंने क्लास बना दिया। यहाँ पर मैंने इसको सेव कर दिया। आफ्टर दैट डेफ डबल अंडर स्कोर इनिट डबल अंडर स्कोर यहाँ पर मैंने सेल्फ मेथड डिफाइन किया। हियर आई विल मैनेज सेल्फ डॉट ए इक्वल्स टू ए डेफ डबल अंडर स्कोर एड डबल अंडर स्कोर, यहाँ पर मैंने सेल्फ ले ली। इसके अंदर मैंने रिटर्न OPE
self dot a और other dot a, यहाँ पे depth double underscore, init मतलब होता है initialize करना, double underscore add मतलब होता है addition करना, ठीक है। इसके बाद double underscore str double underscore, यहाँ पे मैंने self method call किया और return यहाँ पे result is percentile d, यहाँ percentile आ जाएगा और यहाँ पे हमने क्या manipulate कर दिया self dot, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो डबल अंडरस्कोर str डबल अंडरस्कोर मेथड होता है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि अपने को प्रिंट करना है, इवेलिएट करना है प्रिंट, तो ऑटोमेटिकली ये मेथड क्या होता है, कॉल होता है। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। एक ऑब्जेक्ट मैंने ओ पी ई यहाँ पर पास कर दिया मैंने 10, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने 10 पास कर दिया तो ए में वैल्यू इस ओ एड्रेस के करस्पॉन्डिंग 10 सेट हो गई। मैंने ओ वन करके मैंने दूसरा रेफरेंस बनाया जिसके अंदर मैंने 20 सेट कर दिया। नाउ आई विल कॉल ओ टू इक्वल्स टू ओ प्लस ओ वन और इसके बाद मैंने प्रिंट कर दिया किसको, ओ टू को। ओ टू को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। जैसे मैं ओ टू को प्रिंट करूँगा ऑटोमेटिकली आपका एस टी आर मैथड ओवरराइड हो जाएगा और इस ए वैल्यू को क्या करेगा, ये कॉल करेगा। नाउ आई विल रन दिस मॉड्यूल, ठीक है। यहाँ पर अपन इसके अंदर एक पैरामीटर और लेंगे तभी तो अपन वैल्यू असाइन कर सकते हैं। नाउ वी रन दिस, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने, मुझे मल्टीप्लीकेशन करना है, मैंने सॉरी यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है। मल्टीप्लीकेशन करना है मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टी लिखना पड़ेगा और मल्टी के अंदर मैं जैसे इसमें एस्ट्रिक करूँगा तो क्या करेगा, ये मल्टीप्लीकेशन करेगा, ठीक है। तो चाहो तो आप मल्टीपल ऑपरेशन के लिए अलग अलग मैथड भी बना सकते हो। एक ही प्रोग्राम के अंदर अपन एडिशन को भी ओवरराइड कर सकते हैं, ओवरलोड कर सकते हैं। यहाँ पे एडिशन करना है, मैंने यहाँ पे एडिशन दे दिया, ठीक है। एडिशन में मैं प्लस कर रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन में भी मैं प्लस कर रहा हूँ, सब्सट्रैक्शन में भी मैं प्लस कर रहा हूँ और डिवीजन में भी मैं प्लस कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने चार मेथड्स बनाए और चारों मेथड्स में मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस ऑपरेशन ही परफॉर्म कर रहा हूँ। पहले हम ये मल्टीप्लीकेशन चलाते हैं, ठीक है। इंडेंट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पाइथन इज मोस्टली वर्क यूजिंग इंडेंट। डेप्थ डबल अंडर स्कोर एफ डेप्थ डबल अंडर स्कोर मल्टीप्लीकेशन, हियर द नेम विल बी मल नॉट मल्टी। तो ये हमने मल्टीप्लीकेशन के लिए बनाया, ये एडिशन के लिए बनाया, ये सब्ट्रैक्शन के लिए बनाया, ये डिवीजन के लिए बनाया। हम यहाँ पर सभी में प्लस कर रहे हैं। यदि आप मल्टीप्लीकेशन भी करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे हमने मल्टीप्लीकेशन किया तो ये बाय डिफॉल्ट किसको कॉल कर रहा है, इस फंक्शन को कॉल कर रहा है। अब यदि मैंने मल्टीप्लीकेशन की जगह में मल्टीप्लीकेशन लगा दिया तो ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग बताएगा, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई करके देगा, ठीक है। ऐसे मैं यहाँ पर डिवीजन की जगह मुझे क्या है, प्रोफेशनली मैं माइनस सब्सट्रैक्शन की जगह माइनस लगाऊंगा, ठीक है, डिवीजन की जगह प्लस लगाऊंगा। लेकिन यदि आप इसको ओवरलोड करना चाहते हो, अदर वे में भी यूज़ करना चाहते हो, एक ही ऑपरेटर को यदि आप एक से ज़्यादा फॉर्म में यूज़ करना चाहते हो, तो उसके लिए हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूज़ करें। ओवरलोडिंग का मतलब यही होता है कि ऑपरेटर्स, एक ऑपरेटर्स को मल्टीपल फॉर्म में यूज़ करना, ठीक है, अलग अलग टाइप से उसको इम्प्लीमेंट करना। तो दैट इज़ द टास्क वी कैन मैनेज। अब जैसे मैंने यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर स्लैश कॉल करूँगा, स्लैश इन द सेंस कि मैंने किसको मैनेज किया, सब्सट्रैक्शन को मैंने ओवरराइड किया। जैसे मैंने यहाँ पर कॉल किया तो यहाँ पर ओ पी ई ओ डज नॉट असाइन ओ एन, यहाँ पर भी जैसे मैंने यहाँ पे मैंने इम्प्लीमेंटेशन किया है, देन दिस विल बी मैनेज्ड। इसका भी नाम कुछ डिफरेंट होगा, डिवीजन, ठीक है, अपन ने यहाँ पे डिवीजन दिया हुआ है। फॉर डिवीजन वी विल यूज ट्रू ड्यू, ठीक है, यहाँ पर हमने पास किया। नाउ आई विल रन दिस प्रोग्राम, देन इट विल प्रोवाइड द आउटपुट 5। इस तरीके से हमने पूरे ऑपरेटर्स को क्या किया, ओवरलोड किया, ठीक है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन पाइथन। और यहाँ पे str का जो मतलब है, यदि मैं इसको हटा देता हूँ पर आप इसको यदि प्रिंट करोगे, रन करूँगा, तो ऑटोमेटिकली मुझे इस तरीके से मिलेगा, मतलब मुझे ऑब्जेक्ट का पूरा एड्रेस मिलेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को यदि आपको डेटा चाहिए तो इसके लिए आपको डबल अंडरस्कोर str डबल अंडरस्कोर मेथड्स को ओवरराइड करना पड़ेगा। जब आप इस मेथड को ओवरराइड करेंगे
और इसके अंदर जो भी फॉर्मेट देंगे ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली, जैसे हम प्रिंट O2 करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट इस मेथड को कॉल करता है और उसको प्रिंट करता है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ पाइथन, ऑपरेटर ओवरलोडिंग कंसेप्ट।